फ्रेम भी आपका ख़राब करेगा यहाँ पर घिस करके। तो ये करंट को सीधा किस तरीके से करना गाइस, आज हम वही चीज़ इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं इस तरीके से कपड़ा को रखना है और इस तरीके से आपको जो है सब्बल को अंदर करना है। सबल अंदर करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से अगर आपका साइकिल में होता है तो आप आसानी से इसे जो है सीधा कर सकते हैं। जैसा कि गाइज इसका करंट आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा बेंड है, देखिए इस जगह में। तो ये क्या होता है कि जब साइकिलिंग करते हैं तो इस जगह में फ्रेम में सड़ता है, जैसा कि देख पा रहे हैं। देखिए फ्रेम भी आपका ख़राब करेगा यहाँ पर घिस करके। तो ये करंट को सीधा किस तरीके से करना गाइज, आज हम वही चीज़ इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपका साइकिल में इस तरीके का प्रॉब्लम होता है तो आप किस तरीके से अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को बताते हैं ये करंट को किस तरीके से सीधा करना है। बहुत ही ईजी है और आसान है, तुरंत हो जाएगा गाइज, विदाउट मैकेनिक विदाउट शॉप ले जाए हुए। और जो भी आप लोग का पैसा लगने वाला था वो पैसा को आप सॉलिड बचा सकते हैं। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। उससे पहले गाइस हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देखते हैं। आप हमारे चैनल में न्यू आए हैं, साइकिल रिलेटेड में नॉलेजफुल वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। करने से पहले गाइज हम आप लोग से एक चीज क्लियर करना चाहेंगे, आपके पास किसी भी कैटेगरी का कैसा भी साइकिल हो, 22 इंची हो, 20 इंची हो, MTB रेंजर साइकिल हो, बेसिक मॉडल में कैसा भी साइकिल हो, तो सभी साइकिल में सेम प्रोसेस के साथ में करंट अगर टेढ़ा हो जाता है तो इसी तरीका से सीधा होता है जिस तरीका से हम आप लोग को बता रहे हैं। तो गाइज आपको क्या करना है, इस तरीका का धुरा ले लेना है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं मोटा हैवी रड है गाइज, इसे सबल भी बोला जाता है। तो इस तरीका से आपको ले लेना है जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। हल्का सा और बड़ा रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और जितना हैवी रहेगा उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि ये आपको मुड़ना नहीं चाहिए सीधा करते समय। तो चलिए आप लोग को आप बताते हैं किस तरीके से सीधा करना है। एक कपड़ा ले लेना है, पुराना कोई भी कपड़ा होना चाहिए इस तरीके का जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एक अदर व्यक्ति को ले ले, कोई भी दोस्त यार होना चाहिए या फिर अपना भाई में कोई भी होना चाहिए। उसको जिस तरीके से पैडल में पैर रखे हुए हैं उसी तरीके से पैडल में पैर रखना है, और जिस तरीके से साइकिल को पकड़े हुए हैं उस तरीके से साइकिल को पकड़ना है। देखिए जैसा कि पैडल में पैर रखा हुआ सेम इसी तरीके से रखना है, इसमें क्या होगा कि साइकिल पकड़ने में सुविधा होगा और आसानी से सीधा हो जाएगा। आपको क्या करना है, स्टैंड को हटा देना है इस तरीके से। स्टैंड हटाने के बाद इस तरीके से कपड़ा लेना है, आपको क्या करना है ये फ्रेम में इस तरीके से कपड़ा को रखना है और इस तरीके से आपको जो है सबल को अंदर करना है। सबल अंदर करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से करेंगे में फंसाना है जैसा कि देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोग को एक बार नज़दीकी से भी ये चीज़ दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से सबल को जो है करेंगे के साथ में फंसा लेना है। देखिए मैं आप लोग को बढ़िया से दिखा दे रहे हैं, तो इस तरीके से आपको जो है फिट कर लेना है सबल को। फिट करने के बाद आप लोग को क्या करना है चलिए बताते हैं। साइकिल को इस तरीके से पकड़ना है जैसा कि देख पा रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है सबल को बाहर की ओर आपको जो है खींचना है इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो चलिए हम खींचते हैं। सो गाइस फिर आपको इस तरीके से सीधा करना है। चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं ये सीधा हुआ है या नहीं हुआ है। तो गाइस ये देखिए हमारा करंट जो है सीधा हो चुका है, ठीक है गाइस। तो माइनर यहाँ पर ये टेढ़ा गाइस बहुत ज़्यादा टेढ़ा था इसके वजह से, तो यहाँ पर देखिए सटने का जो प्रॉब्लम था वो दूर हो चुका है और हमारा एकदम पैडलिंग भी सही से घूम रहा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपका साइकिल में होता है तो आप आसानी से इसे जो है सीधा कर सकते हैं जिस तरीके से हम आप लोग को बताएं, बहुत ही ईजी और आसान था, आराम से कर लेना हो जाएगा। जिस तरीके से हम आप लोग को बताएं करंट सीधा करने का बारे में, उसी तरीका से गियर भी अगर टेढ़ा हो जाता है तो वो भी उसी तरीका से सीधा होगा जिस तरीका से हम आप लोग को बताएं, ठीक है गाइस। तो ये देखिए तो ये हमारा जो है प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से आपको अपना साइकिल का कर लेना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।